Assalamualaikum Sham Wheelers, I hope you all are fine and doing good. So आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ once again शादीवाल चौक. शादीवाल चौक ही मैं जाता हूँ मॉडिफिकेशन करवाने के लिए ज़्यादातर. अब मैंने जो लगवाना है वो ये LED लाइटें हैं. ये है कायर की सुपर LED हेडलाइट, ये रेड बॉक्स वाली आप देख रहे हैं. ये मैंने ऑर्डर करवाई है महमूद सन एक्सेसरीज से. ये आप चाहे तो उनका इंस्टाग्राम पे पेज है, उससे ऑर्डर कर सकते हैं. मैं आपको दिखा देता हूँ LED लाइटें की क्वालिटी बहुत फिट है, बहुत अच्छी है. ये है H11 के लिए, इसके अंदर ये ब्लास्टर आता है और ये H11 का एक होल्डर आता है. इसमें दो SMDs हैं, एक इस साइड और एक इस साइड पर है. बहुत अच्छी क्वालिटी वाइज है ये. मैं इसकी वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने इसके हेडलाइट्स में भी मैंने अपनी चेंज करवा ली है, उसमें भी मैंने यही वाली इसकी लगवाई है, कायर की ही लगवाई है H4. वो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं आपको उसकी थ्रो ज़रूर चेक करवाऊंगा. बहुत अच्छी क्वालिटी है उसकी, लाइट सुपर्ब है, सुपर्ब. अगर आप चाहते हैं कि लोगों की आंखों में न जाए, बीम उसकी ऐसे उन्होंने बनाई हुई है कि वो नीचे रहती है और बहुत बहुत ऑन पॉइंट आपकी बीम जाती है. तो अभी मैं शादीवाल चौक जा रहा हूँ और वहाँ जा कर आपको मैं फिटिंग करवाने के बाद दिखाऊँगा. और उतनी देर में आपको एक और चीज़ दिखा दूँगी. मैं शादीवाल चौक गया था, वहाँ से मैं ये परचेज करके लाया था, ये मैं आपको दिखाता हूँ. लोग है ये मैंने परचेज किया था, ये मैं लगाया था. गाड़ी को बहुत अच्छी लुक दे देता है, नॉट सो सच अ बिग थिंग, लेकिन फिर भी ये गाड़ी को एक बहुत अच्छी लुक दे देता है. इसकी स्टीयरिंग व्हील की लुक बहुत एनहांस कर देता है, ये रेड, इसका ये ब्लैक और ये क्रोम के साथ बहुत अच्छी लुक देता है गाड़ी को. साथ में मैंने पल्स भी लगाए थे, वो ऑलरेडी आपको याद होंगे पिछले व्लॉग से कि मैंने लिए थे वहाँ से शादीवाल चौक से, वो लगाए थे, वो इतने अच्छे नहीं चले. और मैंने ब्रांडेड दिए हैं, वो लगाए हैं अपनी गाड़ी की लाइटों में, वो बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं. तो उसमें थर्ड ब्रेक लैंप जो है, जो शीशे के अंदर होती है, उसमें भी मैं लगा लिया गाड़ी को, बहुत अच्छी लुक देते हैं वो. इंडिकेटर्स में मेरे पहले के लगे हुए थे, उनके साथ मिक्स होकर बहुत अच्छी लुक देते हैं. तो अभी शादीवाल चौक चल के ही मैं आपको मिलता हूँ. टूल्स वगैरह लेने मैं आ गया हूँ शादीवाल चौक. अभी वो 200 में हुआ डिसाइड कि 200 में वो फिट कर देगा फॉग लाइट्स में बल्ब. तो बल्ब चेक कराने के लगवा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको रात के उनके इसकी थ्रो भी चेक कराऊँगा, हेडलाइट और फॉग लाइट की कोई थ्रो इतनी नहीं है, वो आपको वजह बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा. और इसकी ज़रा फिटिंग बिल्कुल ठीक करिएगा सीधी. असल में मेरी फॉग लाइट भी ख़राब हुई हुई है, उसके अंदर से ना वो सिल्वर पार्ट नहीं होता, काला हो चुका है, तो लाइट निकलती नहीं है उसके अंदर, चाहे जितनी अच्छी लगवा लूँ मैं. ये फॉग लाइट नई कितने तक की आती हैं? है ये आपको मिलेगी मेरा ख्याल 5 से 5.5 हज़ार रुपये. मूवी बना रहे मेरी ये फंस गया सी है यार, ये वैसे व्लॉग वगैरह हमें भी नेट पे फेंके, हम भी ये रखे ना, हम काम कर रहे हैं. किस नाम से यूट्यूब चैनल है यार? चैनल हमें बनाना नहीं भाई आता, अब आप भाई लगते हैं मेरे ऐसे ना, आप जैसे भाई को शेयर कर देता हूँ काम, वो आगे फिर करते रहते हैं. अच्छा, ये वो वहाँ लगवाते होंगे यकीनन, क्या कहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे. वो भाई मुझे बेसिकल ना, अब आपसे क्या जोड़ बो, एक ये देखे मैं ही हूँ. हाँ ये अब ये लाइट ये लगाई है मैंने भैया आपके लिए. सही 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 सिलाई नहीं, मैंने सारी मैंने लगाई है, अकेले नहीं लगाई है, साथ कोई लड़का नहीं. बेहतरीन. उसके बाद गाड़ी ये वाली सिविक, ये मुझे पता सिविक है. ये मैंने ये भी ऑरेंज, ये भी डायरेक्ट की हैं,
ये देख रहे हैं साइड मिरर, ये ड्रैग कितने की होती हैं? तो और ये ड्रैग कितने तक पैरों वाली लाइटें भी लगाई हैं भाई, बेहतरीन लग रही है। तो ड्रैग कितने तक की होती है ये? हमने भाई उससे लिया था 500 रुपया से, उसमें तार भी मारी होती है, फिटिंग सब कुछ करके दिया। ये जो साइड मिरर, साइड मिरर का सही है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।